मेरा मन स्वदेशी, मेरा तन स्वदेशी। चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। मेरा वे कफन स्वदेशी। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। यह चिकनगुनिया, लाखों लोग प्रभावित हैं। मैं 6 महीने से गांव-गांव घूम के उसका इलाज कर रहा हूं, और आपको सुनकर ताज्जुब होगा, ज्यादा लोगों को इलाज में मैं एक ही बात बताता हूं, तुलसी का काढ़ा पी लो, नीम की गिलोय होती है ना उसको भी उसमें डाल लो, थोड़ा सूंठ डाल लो, थोड़ी छोटी पीपर डाल लो, बस ये 4-5 चीजें, और थोड़ा गुड़ डाल लो क्योंकि ये कड़वा इतना है कि पी नहीं पाओगे। इतने मात्र से 3 खुराक में बीमारी ठीक हो रही है। और जो एलोपैथी से कर रहे हैं ना, बोवेरॉन के 3-3 इंजेक्शन ठोक दो, डाइक्लोफेनेक दे दो और पैरासीटामोल भी दे दो, जो तुम्हारे पास है सब दे दो। 20-20 दिन से बिस्तर में पड़े तड़प रहे, 20-20 दिन से। अभी आज मैं आया भीलवाड़ा से, और आने का देरी का कारण भी यही है कि वहां 1 लाख लोग चिकनगुनिया से पीड़ित हैं। वहां डॉक्टर आते हैं, राजीव भाई जरा बताओ ना, मैंने कहा अपना इंजेक्शन खुद क्यों नहीं ठोक लेते, कहते हमें मालूम है इसके साइड इफेक्ट क्या है, तो पेशेंट को क्यों नहीं बताते, इतने हरामखोर हो, तुम्हें मालूम है कि इसका साइड इफेक्ट क्या है, बोवेरॉन लगाएंगे तो क्या होने वाला है, मुंह में छाले हो जाएंगे, गले में छाले हो जाएंगे, अल्सर भी हो सकता है, तुम जानते हो, फिर पेशेंट को क्यों नहीं बताते, ये हरामखोरी तुम में कहां से आ गई। अपने को इंजेक्शन ठोकोगे नहीं, उसको ठोकते जाओ, तुम्हें मालूम नहीं है ठीक नहीं होगा, फिर पैरासीटामोल देते जाओ, डाइक्लोफेनेक देते जाओ, नोवलजिन के इंजेक्शन लगाते जाओ। और दुर्भाग्य से एलोपैथी ने ये सब नाम 20 साल पहले बैन कर दिए, वो कहते हैं डाइक्लोफेनेक खराब है, पैरासीटामोल तो और भी खराब है, नोवलजिन तो 1984 से बैन है यूरोप में और अमेरिका में, वो इंजेक्शन यहां ठोक रहे हैं लगातार। दुष्परिणाम है कि मरीज ठीक ही नहीं हो रहे। और मैं आपको मेरा अपना तजुर्बा बताता हूं, आप में से कुछ विद्यार्थी होम्योपैथी के हैं, आप जानते हैं कि होम्योपैथी की बहुत सारी दवाएं आयुर्वेद से ही निकली, तुलसी है ना उसी से ओसीमम है, ओसीमम की 3-3 खुराक देके कर्नाटक में 70,000 रोगियों को चलता कर दिया, और वो 20-20 दिन से एलोपैथी खा रहे थे, रिजल्ट नहीं आ रहा है। ओसीमम 200 की 3 खुराक सफिशियंट, और आदमी 20 दिन से तड़प रहा है बिस्तर में, न नींद आ रही है न चैन मिल रहा है, इतनी उल्टियां हो रही हैं, बुखार उतर नहीं रहा है, सब तकलीफ है, 3 डोज दो खत्म कहानी, मैंने उसको फिर कुछ जरूरत ही नहीं। और फिर आज स्थिति यह है कि कर्नाटक सरकार ने हमारे ये कैंपों के रिजल्ट देखने के बाद अपने डायरेक्टर्स और जॉइंट डायरेक्टर सबको लाइन से लगा दिया, जाओ राजीव दीक्षित के पास सीखो उससे वो क्या दे रहा है और रिजल्ट क्यों आ रहे हैं। हमने 70,000 पेशेंट को दवा दी, 6 मरे, और उन्होंने 1,22,000 को दी, उसमें से मुश्किल से 6 बचे। ये कर्नाटक का हाल है। कर्नाटक में चिकनगुनिया इतना बुरी तरह से फैला है, कोई गांव नहीं बचा जहां चिकनगुनिया ना हो। मेरी तो स्थिति यह है कि कार्यकर्ता कम पड़ गए, डॉक्टर कम पड़ गए, अगर मेरे पास 1,000-2,000 डॉक्टर होते तो हम कर्नाटक के उन लाखों लोगों को बचा लेते जो मर गए पिछले 6 महीने। महाराष्ट्र में भी यही है, रिजल्ट मिलते हैं उन दवाओं से तो भरोसा क्यों नहीं करें उनके ऊपर। ओसीमम तो तुलसी में से ही बनी है भाई, और तो क्या है, डाइल्यूशन फॉर्म में है, बस इतना ही तो है, और तुलसी का काढ़ा समझ लो मदर टिंचर फॉर्म है उसका, तो काढ़ा दे दो तो समझ लो मदर टिंचर दे दिया, और पोटेंसी में दिया तो डाइल्यूट करके दिया। और आप जानते हैं कि ये आयुर्वेद का ही सिद्धांत है कि औषधि की मात्रा जितनी कम रखो असर उतना ही अधिक है, होम्योपैथी तो इसी पे काम करती है। तो अपने विज्ञान में दम तो है, अपनी विद्या में दम तो है, बस इसका प्रचार करने की बात है। प्रचार कौन करेगा, आप करेंगे,